प्रदेश में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में फंसे ओबीसी आरक्षण के पैच को लेकर एक बार फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। शुक्रवार को भाजपा ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने कहा कि भाजपा ने ओबीसी वर्ग के लिए 2 साल में न तो कोई योजना बनाई, न ही चुनाव के लिए कोई तैयारी की, जबकि कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव का मसौदा तैयार किया था। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष परसराम चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की पक्षधर है, जबकि कांग्रेस की तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 8 जुलाई 2019 को विधानसभा में मध्य प्रदेश लोक सेवा आरक्षण विधेयक में भ्रामक व असत्य आंकड़ा प्रस्तुत किया कि मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या सिर्फ 27% है। यह कांग्रेस का असली ओबीसी विरोधी चेहरा है जो मध्य प्रदेश के दस्तावेजों में सदैव के लिए साक्ष्य बन गया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ मिले। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। किस तरह जो प्रेस वार्ता की ओबीसी को लेकर के जिस प्रकार से पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और फैसले में कहा गया कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए जाने की जो निर्देश दिए हैं, उस निर्देश को मानना प्रदेश सरकार की सरकार को बातें हैं, पर हमारी सरकार और हमारी भारतीय जनता पार्टी की हम लोग चाहते हैं कि ओबीसी का जो आरक्षण है, जो प्रजातंत्र में जिन जिन वर्गों को जो मिला है, और ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वर्ग है समाज में प्रदेश में, तो उस आधार पे आरक्षण मिले, इसलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया, हमने तय किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको पुनर्विचार के लिए याचिका के माध्यम से हम निवेदन करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और आज जानकारी के अनुसार यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनने के लिए, प्रदेश की सरकार की बात सुनने के लिए अपील को स्वीकार किया है, और 17 तारीख तक वो उसका निर्णय आने वाला है। पर हमारी सरकार और हम ये चाहते हैं कि हमको ओबीसी का जो आरक्षण है वो पूरा मिले, उस आधार पर ही चुनाव अगले हो, ये हमारी मुख्य रूप से। पर इसमें जो बीच में जो व्यवधान आया और जिस प्रकार से कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और ये जो सुप्रीम कोर्ट तक जब गई बात, ये जो आया इसका बहुत बड़ा एक कारण है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस प्रकार से ओबीसी को आरक्षण मिले और चुनाव हो। सुप्रीम कोर्ट भी यथावत रखती है आदेश को, हाँ। तो फिर भी ओबीसी के तहत बीजेपी लड़ाई चुनाव पूरी तरह से पूरा उससे ज़्यादा ओबीसी का जो तय मानक है पार्टी ने जिस प्रकार से तय किया है उसी आधार पर ओबीसी को आरक्षण देते हुए उम्मीदवारों को हम सभी जगह महापौर का चुनाव हो, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हो, पंचायत के चुनाव, सभी में आरक्षण ओबीसी को पूरा दिया जाएगा। नहीं नहीं हमारी अवेला का तो सवाल नहीं, पार्टी स्तर भाई चुनाव तो लड़ा रहे, चुनाव कराना जरूर, सुप्रीम कोर्ट का कहना चुनाव चुनाव होंगे भी, पर हम पार्टी के हमारे संगठन जो आरक्षण का जो हमारा रिजर्वेशन का कोटा है उस आधार पे हम उम्मीदवार लड़ाएंगे। दोनों ही सरकार आरक्षण पे ही चुनाव कराना चाहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आरक्षण के आधार पे होंगे और हम और जो देखो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो वो मानना जरूरी है उसके लिए, तो उसमें कोई पर आरक्षण अगर के अलावा आयोग चुनाव बिना आरक्षण के कराता है तो पार्टी उसमें हमारे आरक्षित जो क्षेत्र है हमारा वो पूरा उसमें आरक्षण कर ही चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी चुनाव कराने चाहती है हार के डर से। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, हार का डर अभी हमारी पूरे आपने देखा 5 विधानसभा चुनाव हुए उसमें 4 जगह हमारी विधानसभा में सरकार बनी है, तो सरकार भारतीय जनता पार्टी का मूड की तरफ सर्व जनता का मूड है और ये चुनाव जो है इसमें 101% भारतीय जनता पार्टी 27% आरक्षण को लेकर के अब जिले भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कमलनाथ जी ने पहले कहा था कि हम 27% आरक्षण देंगे, अभी भी उन्होंने घोषणा करी है कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 27% आरक्षण के साथ नगरीय निकाय के चुनाव होते, जनता को पिछड़े वर्ग के लोगों को उनका अधिकार मिलता। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। 2 वर्ष सरकार में हो अभी है बीजेपी की सरकार 2 वर्ष से, लेकिन उन्होंने 27% आरक्षण के लिए पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई, नहीं चार्ट, नहीं आरक्षण की कोई व्यवस्था ऐसी करी थी कि पिछड़ों को लाभ मिले। अन्याय हुआ पिछड़ों के साथ,
कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग मिलकर सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर दिल्ली तक इस बात की लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ेंगे और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाएंगे। अगर आरक्षण के बगैर चुनाव होते हैं तो हम कांग्रेस पार्टी के महान नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने जो बोला है कि हम 27% पिछड़ों को टिकट देंगे और चुनाव लड़ाएंगे, हम पूरी ताकत के साथ ओबीसी के साथ खड़े हैं, पिछड़े वर्ग के साथ खड़े हैं। मैं विशेषकर पिछड़े वर्ग के नौजवान साथियों और बुजुर्गों से और माता बहनों से निवेदन करता हूं कि भाजपा की सरकार ने जो अन्याय किया है पिछड़े वर्ग के साथ, आओ हम सब मिलकर भाजपा को यहाँ से हटाएं और पिछड़े वर्ग के साथ न्याय करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।